जुलाई 8 को वेटरन एक्ट्रेस नीतू कपूर ने सेलिब्रेट किया अपना 60th बर्थडे। कपूर फैमिली इस वक्त पेरिस में है और नीतू के बर्थडे पर रणबीर, रिद्धिमा और ऋषि कपूर ने नीतू को किस तरह दिया सरप्राइज, टेक अ लुक। नीतू से पहले क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने जुलाई 7 को सेलिब्रेट किया था अपना 37th बर्थडे विद हिज फैमिली एंड इंडियन क्रिकेट टीम मेट्स। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। धोनी के बर्थडे सेलिब्रेशन में इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली और उनकी वाइफ एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी शामिल हुए। जहां धोनी का ये बर्थडे सेलिब्रेशन इंटरनेट पर कर रहा था ट्रेंड, वहीं कुछ ट्विटर यूजर्स ने बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान क्लिक की गई अनुष्का की कुछ पिक्चर्स पर मीम भी पोस्ट किए हैं। इंटरेस्टिंगली फ्राइडे को एक्टर रणवीर सिंह ने भी सेलिब्रेट किया था अपना 33rd बर्थडे और रणवीर के बर्थडे पर दीपिका ने कुछ इस तरह दी रणवीर को बर्थडे विशेस। और अब बात करते हैं सलमान खान के दबंग द टूर रीलोडेड की। रिसेंटली वॉशिंगटन डीसी में कॉन्सर्ट से पहले सलमान और उनके गैंग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां सलमान ने कैटरीना को एड्रेस किया एज हिज बेबी। सलमान खान जी, वेल, इस दौरान जब कैटरीना मीडिया इंटरेक्शन में कुछ ज्यादा ही बिजी रही तो सलमान ने इस टाइम को यूटिलाइज किया ड्रॉइंग करके। और अब आपको दिखाते हैं कि वॉशिंगटन डीसी में सलमान और कैटरीना ने अपने रोमांटिक एक्ट से किस तरह किया अपने फैंस को एंटरटेन। सलमान और कैटरीना के इस रोमांटिक एक्ट के अलावा दबंग द टूर रीलोडेड के कुछ और ग्लिम्पसेस भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। हाउसफुल 4 एक्ट्रेस कृति सैनन ने वीकेंड पर मुंबई के वेदर को किया एंजॉय अपने पेट डॉग के साथ। एक्टर ऋतिक रोशन अक्सर अपने किड्स रेहान और रिदान रोशन के साथ फैमिली वेकेशन पर जाते हैं और अपनी रीसेंट वेकेशन से ऋतिक ने शेयर की ये इंस्पायरिंग वीडियो। सो द मिशन इज फॉर अस टू बी एबल टू क्लाइम दिस। ओ हो हो हो, ओ ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।